नमस्कार दोस्तों। हाँ तो स्वागत है देवेंद्र सजनों एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो आज आपको भाई आपके लिए लेके आए टॉप 5 फीचर्स इन टर्कस ओपेरो 3 बाई वांडा सॉफ्टवेयर। तो वीडियो काफ़ी औसम होने वाला, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारा फीचर है सस्पेंशन स्टिफनेस। तो यहाँ पर हमें ट्रक स्टेबिलिटी, सस्पेंड स्टिफनेस, केबिन सस्पेंड स्टिफनेस को हाई पर कर दिया, मतलब पूरा फुल कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने ट्रक को चलाएंगे और 40 की स्पीड पर हम ब्रेक ठोकेंगे। तो अभी 40 की स्पीड पर चलने दो। तो ये 40 की स्पीड पर पहुँचने वाला और पहुँच गया है। तो अभी हमने ब्रेक ठोका, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सस्पेंशन है वो हार्ड हो गया है। तो अभी हम इन तीनों को लो पर कर देते हैं, मतलब पूरा कम कर देते हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं अपने ट्रक के पास और ट्रक को 40 की स्पीड पर चलाएंगे और फिर ब्रेक ठोकेंगे। तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो ट्रक का अपना सस्पेंशन है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो मतलब ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आपको लगेगा। तो चलिए भाई लोगों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा दूसरा फीचर है इंटीरियर कैमरा पोजिशन। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं कि जैसे हमारी स्टेयरिंग है तो हम उसे आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो हमारा प्लेयर है उसका जो मतलब सर होता है उसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हो। जो हमारी सीट है जिस पर हम बैठे हुए ट्रक की, उसको भी हम आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे फीचर की तरफ, जो कि है पावर मोड। तो यहाँ पर एक तरफ हमारा पावर मोड ऑन है, दूसरी तरफ हमारा पावर मोड ऑफ है। तो पावर मोड में होगा क्या, जैसे आप हिल पर मतलब जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और भारी सामान आपके ट्रक के पीछे, जो कार्गो काफ़ी भारी है, तो ये तब काम आता है। और इसमें आपकी स्पीड लिमिट हो जाती है, मतलब काफ़ी स्लो स्लो बढ़ती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑन में अभी हमारी 42-43 स्पीड है और वहाँ पर ऑफ पर हमारी 62 की स्पीड पहुँच चुकी है। तो यही फ़र्क है। तो चौथा हमारा फीचर है डिफरेंशियल लॉक। इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपका भाई किस लिए, आपका भाई बता देगा। अभी हम अपने ट्रक को चढ़ा रहे हैं लेकिन ये पहाड़ पर नहीं चढ़ा, वापस बेग आ रहा है, क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल लॉक है अभी हमने ऑफ कर रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल लॉक को ऑन करेंगे। तो अभी हम पहले ऑन कर लेते हैं, तो हमने ऑन कर लिया है। तो अभी हम वापस अपने ट्रक को इस पहाड़ पर चढ़ाएंगे, मतलब थोड़ी ऊंचान सी है यहाँ पर, तो पहाड़ नहीं है मतलब ऊंचान सी है, थोड़ी यहाँ पर चढ़ाएंगे अपने ट्रक को। तो अभी आप देखिएगा यहाँ पर हमारा ट्रक आसानी से ऊपर चढ़ जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ट्रक काफ़ी आसानी से ऊपर चढ़ रहा है, मतलब अपनी ग्रिप बना रहा है। तो डिफेंस लॉक का यही मतलब है कि वो अपनी पकड़ बना लेता है, जैसे अपने टायर अपनी पकड़ बना ली है, लेकिन लगता है ये ट्रक चढ़ेगा नहीं। लेकिन हम भी कम नहीं, हम भी हार मानने वालों में से नहीं है, इस ट्रक को चढ़ा कर रहेंगे। तो बस आप देखते रहिए एंड तक, हम ज़रूर चढ़ेंगे इसको। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये स्लिप भी नहीं हो रहा। तो डिफेंस लॉक का यही फ़ायदा है, ये स्लिप नहीं होता और आराम से चढ़ जाता है किसी भी ऊंचाई पर। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर मेरे को लगा। तो लगता है हमारा ट्रक तो यहाँ पर नहीं चढ़ेगा, हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो चलिए छोड़िए ट्रक को, कभी और चढ़ाएंगे, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी और पांचवें फीचर की तरफ, जो कि है हमारा इंटीरियर कैमरा सेटिंग। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जो पहले हमने कर लिया स्टीयरिंग रोटेशन। तो जैसे ही हम स्टीयरिंग को राइट घुमा रहे थे, हमारा प्लेयर राइट देख रहा है, लेफ्ट घुमा रहे थे, हमारा प्लेयर लेफ्ट देख रहा है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें आपको जो ब्लिंकर रोटेशन है वो भी मिलता है। तो इसका मतलब क्या आपको बता देता हूँ, जैसे हमने मतलब अभी करते हैं, रुको बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो हमने राइट इंडिकेटर ऑन किया था, हमारा प्लेयर राइट की तरफ देखने लग जाएगा। जब हम लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करेंगे तो हमारा प्लेयर लेफ्ट की ओर देखने लग जाएगा। तो ये था वो फीचर। तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने बन जाइए। तो गाइस पिछले वीडियो में हमने ज्ञान की बात नहीं की, तो इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आज के ज्ञान की बात कर लेते हैं। तो गाइस गर्लफ्रेंड और टूथपेस्ट दोनों को टाइम से बदल लेना चाहिए, वरना दांत और दिल दोनों टूट जाते हैं।